स्थानीय SBN कॉलेज में बड़वानी गौरव दिवस को लेकर करी तैयारियों का कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने लिया जायज़ा। बड़वानी जिले के स्थापना दिवस के 25वें वर्ष में जिला कलेक्टर द्वारा बड़वानी गौरव दिवस को बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ जिलेवासियों के साथ 25 से 31 मई तक शहीद भीमानायक महाविद्यालय में मनाया जाना है, जिसकी तैयारियाँ जोरों पर की जा रही है। मंगलवार शाम को कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्टेज स्टॉल एवं आकर्षक विद्युत सज्जा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, SDM घनश्याम धनगर, जिला पंचायत CEO अनिल कुमार डामोर, जिला आबकारी अधिकारी दीपक अवस्थी, CMO कुशल सिंह डोडवे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 25 से 31 तक मनाए जा रहे बड़वानी गौरव दिवस में 7 दिन स्टॉल लगाए जाएंगे। अलग अलग विभागों द्वारा लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया जाएगा। वहीं शाम को प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम स्टेज शो के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें अन्य राज्यों के कलाकार भी सहभागिता करेंगे। कल बड़वानी गौरव महोत्सव का भव्य कार्यक्रम भीमानायक कॉलेज के जो ग्राउंड है उसमें रखा गया है, और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं भीमानायक कॉलेज में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरे ग्राउंड की आकर्षक लाइटिंग है, सभी जो पौधे हैं उन पर भी लाइटिंग हो रही है। इस पूरे कैंपस में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां, खाने पीने के स्टॉल्स, बड़वानी के जितने अच्छे व्यंजन हैं सबकी व्यवस्था भी है, और यह एक अवसर है बड़वानी को गौरवान्वित होने का। बड़वानी के सभी बड़वानी के निवासियों का यहाँ पर आकर के पूरे कैंपस में जो रात का जो सुकून मिल सकता है यहाँ पर बिना गर्मी के, इतना ठंडक एहसास जो हो रहा शाम को, तो कल यहाँ पर मेरी सभी से अपील है बड़वानी वासियों से, पूरे ज़िले वासियों से, कि इस अवसर को ना गंवाएं, इसमें आकर के स्वयं आनंद हों और बड़वानी गौरव के गौरव दिवस के साथ में स्वयं गौरवान्वित हों। सर, इस आयोजन में क्या खास है? इस आयोजन में विशेष करके आप देखिएगा कि पूरा कार्यक्रम इस तरह से प्लान किया हुआ है कि लोगों को इसमें एक तो सबसे पहले बड़वानी गौरव यात्रा निकाली जाएगी। गौरव यात्रा कल बस स्टैंड से प्रारंभ होगी लगभग 5:30 बजे, और गौरव यात्रा के साथ साथ में कलश यात्रा में जो यहाँ पर ज़िले के लोक नृत्य, लोक गीत और पूरा इसका एक जुलूस के रूप में यात्रा आएगी। इस कार्यक्रम स्थल पर यहाँ पर ढेर सारे जो कलाकार हैं बाहर से, दिल्ली से कलाकार आ रहे हैं, उनका पूरा SDM बड़वानी ने तरबूज विक्रय करने वालों के समक्ष दिलवाई 1 लाख रुपए की राशि। शेष राशि क्रेता देगा अगले सप्ताह। SDM बड़वानी श्री घनश्याम धनगर ने जिले के चूनाभट्टी भिलखेड़ा रोड पर खेती करने वाले कृषक कैलाश सिरवी को मनावर के रहवासी रोहित पिताराम वर्मा बबलू वाणे से 38 टन 335 किलो तरबूज विक्रय करने पर कुल 3,64,182 रुपये अपने समक्ष, उसमें से अपने समक्ष 1 लाख रुपये दिलवाए। साथ ही विक्रेता ने एक सप्ताह में शेष राशि का भुगतान करने का समय दिया, अन्यथा की स्थिति में जेल भेजने की चेतावनी दी। कैलाश मुखाती, कुछ पेमेंट लेना था, 2,41,000 रुपये तरबूज का पेमेंट बाकी था। ये 5 अप्रैल को दिया था माल, जो आज 1 लाख रुपए दिए है रोहित वर्मा को, मनावर वालों को। आज पेमेंट दिया है? हाँ, साहब के समक्ष दिया है, SDM साहब ने दिलवाया पेमेंट हमको। कितना दिया है? 1 लाख रुपए दिए अभी, बाकी 8 रोज की टाइम मंगा है पार्टी ने, 8 दिन का टाइम दिया उनको। हाँ, खुश है। क्या न्याय मिला है? न्याय मिला हमको। पैसे का लेन देन का एक मामला सामने आया था, जहाँ किसान तरबूज बेचे थे, पेमेंट नहीं दे रहा था। किसान के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनके द्वारा एक व्यापारी को तरबूज बेचे गए थे 2,40,000 के, जो कि जिनका भुगतान किसान को व्यापारी नहीं कर रहा था। इस संबंध में दोनों को बुलाया गया और व्यापारी को समझाइश दी और कुछ समय दिया, तो आज व्यापारी के द्वारा किसान को 1 लाख रुपए समक्ष में दिलवाए गए हैं और बचे हुए पैसे।
RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।